सबको शीतल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बनाएंगे एक एकादशी व्रत के लिए एक रेसिपी बनाऊंगी, ज़रूर देखिए। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दही लिया है और कैशू लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, गाजर और शेंगा, नारियल, थोड़ा सा रवा मीडियम साइज़ का है लिया है और थोड़ा सा साबुदान। देखिए एक बाउल लिया है, उसमें ये साबुदान को डालना है। ये पानी में एक घंटा के लिए भिगो के रखा है मैंने। भिगो के रखा है, अभी इसमें डालेंगे हम लोग रवा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए इधर कुछ साउंड आ रहा है, क्योंकि मैं एचएल क्वार्टर्स में रहती हूँ, इधर एयरपोर्ट भी बाजू में है, एयरफोर्स का फ्लाइट सब होते रहता है, इसका वजह से मैं अवॉइड नहीं कर सकती। पूरा दिन रहता है फ्लाइट का आवाज़, एचएल का भी फ्लाइट्स रहता है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम लोग नारियल और शेंगा, कैरेट, धनिया पत्ता, काजू और घर में ही बनाया हुआ थोड़ा सा दही मिक्स करके रखा था, उसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहिए तो आप ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हो। अभी इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैं रखूंगी। देखिए अभी ये रेडी है, इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे हम लोग ढक के। इधर देखिए 5 वाटी लिया है इडली बनाने वाला, थोड़ा सा घी लिया है, अभी घी इसमें अप्लाई करूँगी मैं। आप चाहिए तो ब्रश में भी कर सकते हो, हाथ में भी कर सकते हो, जो मुझे हाथ में ही अच्छा लगता है। घी नहीं है तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो आप। देखिए साबुदाना और रवा का बैटर रेडी है, इसको हम इडली का वाटी में डालना है हमें। एक हेल्दी रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते हो। इसका साथ आप चाहे तो ग्रीन चटनी बना सकते हो, नहीं है तो नारियल का चटनी भी बना सकते हो। बट एकादशी का दिन आप खाने के लिए बनाओगे तो उसमें लहसुन ये फिर ऑनियन ये सब अलाउ नहीं करेंगे हम लोग। देखिए अभी इडली रेडी है, इसको अभी इडली का बर्तन में रख के हम लोग स्टीम करेंगे। देखिए इडली का बर्तन रखा है, उसमें पानी गर्म हो गया, आवाज़ आ रहा है। अभी इसमें हम लोग जो इडली बनाया हुआ वो रखेंगे। इधर उधर बच्चे भी बात कर रहे हैं बहुत। देखिए ये रखा है, अभी ढक्कन रख के हम लोग पकने देते हैं इसको। देखिए इडली पक चुका है, हम गैस ऑफ करेंगे और इडली को निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे हम लोग। देखिए इडली रेडी है, अभी ये ठंडा भी हो गया है, इसको निकालते हैं हम लोग। ऐसे आ गया, इसको इसमें प्लेट में रखेंगे हम लोग। ऐसे ही सारा इडली निकालना है हमें। देखिए ये इडली का पीछे है, ये सामने का हिस्सा है। देखिए एकादशी स्पेशल रवा इडली रेडी है। आप मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आगे इससे भी रेसिपी अच्छा रेसिपी के साथ आपका सामने आऊँगी। थैंक यू।